हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। यह है 130 नंबर की वर्कशीट, 11 तारीख की। सर्दियों की तैयारी। रेशमा की मम्मी ऊन के स्वेटर बनाने, स्वेटर पर बटन टांकने एवं मास्क आदि बनाने का काम करती हैं। ये सब चीज़ें बनाकर वे बाजार में एक स्वेटर की दुकान पर बेचने के लिए भिजवाती हैं। उन्हें ये सब चीज़ें बनाने के लिए निम्नलिखित मेहनताना मिलता है। तो जब रेशमा की मम्मी ऊन के स्वेटर बनाती हैं, स्वेटर पर बटन लगाती हैं और मास्क बनाती हैं और उन्हें एक दुकान पर बेचती हैं, भिजवाती हैं और बेचती हैं, और उन्हें कितना रुपये मिलता है इन सब काम का, चलो देखते हैं। खुद की खरीदी ऊन से एक स्वेटर बनाने का मेहनताना ₹400 मिलते हैं अगर खुद ऊन खरीद के एक स्वेटर बनाएंगी तो। दूसरों की दी हुई ऊन से एक स्वेटर बनाने का मेहनताना ₹250। अगर किसी ने ऊन दी है सिर्फ उसे बनाएंगी तो 250, खुद का ऊन होगा और बनाएंगी तो ₹400। एक बटन टांकने का मेहनताना, अगर एक बटन लगाएंगी तो ₹5। एक मास्क बनाने का मेहनताना ₹40। एक मास्क का रुपए कितना लेती है? 40। अब देखिए, रेशमा की मम्मी ने नवंबर के महीने में कुल 65 स्वेटर बनाए हैं। उन्हें एक स्वेटर बनाने के 400 मिलते हैं, तो 65 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? तो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे अब आप, ठीक है। एक स्वेटर बनाने के उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? ₹400, ठीक है, ₹400 मिलते हैं। अब मैं इसे प्रॉपर लिख के दिखाती हूँ, जैसे आप कॉपी में करेंगे। तो आप लिखेंगे एक स्वेटर इक्वल टू ₹400। इसका मतलब है कि एक स्वेटर का ₹400। अब वो पूछ रहे हैं 65 स्वेटर, तो इसी के नीचे एक की जगह अब आप लिखेंगे 65 स्वेटर। बच्चों यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। एक स्वेटर वो कह रहे हैं ₹400 का है, तो आपसे पूछ रहे हैं 65 स्वेटर का कितना रुपए होगा? 65 स्वेटर का कितना होगा? तो जब एक का इतना है तो 65 का कितना होगा? 400 से जब हम 65 को मल्टीप्लाई कराएंगे हमें पता चल जाएगा कितना होगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे कितना इजी है, देखो इसे गुणा कराना, बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको पता है दो जीरो हैं, तो आप इन दो जीरो को अभी छोड़ दो, अभी आप इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कराओ 65 को। तो 4 5 20, 2 carry 4 6 24, और वो 2 carry का जो था 25 26। अब आपने ये जो दो जीरो छोड़े थे इन दो जीरो को इसके आगे लगा दो। इतना आसान था, इसे आपको कॉपी में करके देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मेंटली आप ऐसे ही अपने माइंड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 5 20, 2 carry 4 6 24, और वो दो जोड़ लो 26, 24 में दो जोड़े 26, और ये दो जीरो को उसके आगे लगा दो, तो ये हो गया ₹26,000। कितने रुपए? 26,000। तो बच्चों एक स्वेटर के ₹400 और 65 स्वेटर के ₹26,000। इसे ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला है, रेशमा की मम्मी ने इस बार 12 ऐसे स्वेटर बनाए हैं जिनकी ऊन उन्हें वो लोग दे गए थे जिनके लिए स्वेटर बनाने थे। अब बहुत ध्यान से देखिए, 12 ऐसी स्वेटर बनाई हैं जिनके ऊन लोगों ने खुद दिए हैं। तो जब लोग खुद ऊन देते हैं तब वो 250 का बनाती हैं एक स्वेटर। ऐसा एक स्वेटर बनाने के लिए वे 250 लेती हैं,
इस प्रकार के 12 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? तो चलिए यहाँ मैं फिर से करके दिखाती हूँ। एक स्वेटर उन्होंने बनाया, अब कितने रुपए का? एक स्वेटर उन्होंने बनाया 250 का, क्योंकि ऊन खुद दे के गए थे वो लोग। अब पूछा है 12 स्वेटर कितने रुपए में बनाएंगी? तो 12 स्वेटर वो कितने की बनाएंगी? 12 स्वेटर जब आप 12 से 250 को गुना कराएंगे, अब देखो कितना आसान है। आपको सिर्फ 12 और 25 का गुणा कराना है, जो ये ज़ीरो है, शून्य, ये यहाँ पे लग जाएगा उनके आगे। तो 25 और 12 को जब आप गुना कराएंगे, आपका आएगा 300। तो आपका जब 12 और 25 को गुना कराएंगे 300 आएगा, और ये ज़ीरो आपने यहाँ लिख दिया, तो 3000 रुपये। कितने रुपए मिलेंगे उसे? 3000 रुपये मिलेंगे जब वो 12 स्वेटर बनाएगी। ये प्रश्न भी हो गया। और अगला यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। 10 और 100 की गुना मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 100। देखो कैसे करते हैं, आपको ये सिखाया गया है। 100 × 10, तो एक से एक को मल्टीप्लाई कराएंगे गुना, तो एक ही आएगा, पर उसके आगे कितने ज़ीरो आएंगे? 1, 2, 3, 3। उसी तरीके से 11 से एक को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 11 और कितने शून्य हैं? 1 और 2, तो 2 ज़ीरो उसके आगे आ जाएंगे। इसी तरीके से 12 से जब एक को गुना कराएंगे, 12 × 1, 12, पर कितने ज़ीरो हैं इसके आगे? 2। इसी प्रकार 10 × 130, तो 13, 1 × 13, 13, 1 से 13 को गुणा कराएंगे तो 13 ही आएगा, और शून्य कितने हैं? 0, 2 ज़ीरो हैं, तो इसके आगे 2 ज़ीरो। इसी प्रकार 1 × 14, 1 का गुना 14 से 14 से, तो 14, और कितने ज़ीरो हैं उसके आगे? 2 ज़ीरो, ठीक है। इसी प्रकार 2 × 1 = 2, और उसके आगे कितने ज़ीरो हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अगला 3 × 1, 3 से 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 3, कितने ज़ीरो हैं इसके आगे? 1, 2, 3, तो 1, 2, 3। इसी प्रकार 1 × 4, 1, 4 = 4, इसके आगे कितने ज़ीरो हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगला 9 × 1, 9, 9 से 1 को गुना कराएंगे, 9, 1, 2, 3, कितने ज़ीरो हैं? 1, 2, 3। इसी प्रकार अगला 1 से 1 को मल्टीप्लाई कराया, 1, इसके आगे कितने ज़ीरो हैं? 2, ये 2, ये, तो 2, 2, 4। अगला 1 × 2, 1, 2 = 2, और 0 कितने हो गए? 2, ये 2, ये 4। अगला 3 × 1, 3 × 1 = 3, इसके आगे कितने ज़ीरो हैं? 2, ये 2, ये 4। अगला 1 × 1, 1, कितने ज़ीरो हैं? 3, ये रहे 2, ये रहे 5, 1, 2, 3, 4, 5। कितना आसान था। अगला, रेशमा की बड़ी बहन व भाई ने स्वेटर पर बटन टांगने का काम किया है। उसकी बड़ी बहन व भाई ने बटन टांगने का काम किया है। उन दोनों ने कुल मिलाकर 77 स्वेटरों पर बटन टांगे हैं, ठीक है। कितने स्वेटरों पर? 77। हर स्वेटर पर 4 बटन, हर स्वेटर पर 4 बटन टांगे हैं। एक बटन टांगने के उन्हें 5 रुपए मिलते हैं। तो 77 स्वेटरों पर बटन टांगने के कुल कितने रुपए मिलेंगे? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एक स्वेटर पर कितने बटन टांगे हैं? एक स्वेटर पर 4 बटन टांगे हैं, 4 बटन। और टोटल कितने स्वेटरों पर बटन टांगे हैं? 77।
तो अब 77 स्वेटर में उन्होंने बटन टांगे हैं, तो कितने टांगे होंगे? अगर एक स्वेटर में 4 बटन हैं तो 77 स्वेटर में कितने बटन होंगे? 77 में 4 का गुना करा दो तो ये हो गया 4 7 28, 2 हासिल, 4 7 28, 29 30, वो दो हासिल को जोड़ लो 30, तो कितने टोटल 308 बटन टांगे हैं दोनों ने मिलके। आप कह रहे हैं कि एक बटन टांगने का 5 रुपए मिलते हैं, तो एक बटन का उन्हें मिलता है 5 रुपए। कितने रुपए? 5। आप कह रहे हैं उसके बाद कि 77 स्वेटरों पर बटन टांगने के कुल कितने रुपए मिलेंगे? अब हमें पता है कि 77 स्वेटर में उन्होंने 308 बटन टांगे हैं, तो 308 बटन के उन्हें कितने रुपए मिलेंगे कुल? 5 से 308 का गुना, क्योंकि एक बटन का पैसा है 5 रुपए है, तो 308 का कितना होगा? 5 से जब हम 308 का गुना कराएंगे मिल जाएगा हमें कितने रुपए हमें मिले होंगे, उन दोनों को मिले होंगे 5 8 40, और 4 हासिल तो 4 यहाँ आ गया, 5 3 15, ठीक है। 308 बटन का उन्हें 1540 रुपए मिले हैं दोनों भाई और बहन को, ठीक है। कितने रुपए हो गए? 1540। अगला प्रश्न है, रेशमा के पापा ने भी इस बार इस काम में बहुत जोर शोर से साथ दिया है, उन्होंने 125 मास्क बनाए हैं, एक मास्क बनाने के उन्हें 40 रुपए मिलते हैं, उन्हें 125 मास्क बनाने के कितने रुपए मिलेंगे? तो अब हमें ये निकालना है, ठीक है, ये वाला प्रश्न करेंगे कि रेशमा के पापा ने भी बहुत जोर शोर से काम शुरू किया और 125 मास्क बनाए, और एक मास्क बनाने के उन्हें 40 रुपए मिल रहे हैं, उन्हें 125 मास्क बनाने के कितने रुपए मिलेंगे? अब देखो, एक मास्क 40 रुपए, मास्क कितने रुपए का? बच्चों रुपए जरूर लिखेंगे, ये लिखना ना भूलें, 40 रुपए का एक मास्क बनाया है, 40, 125 मास्क बनाने हैं, 125 मास्क बनाने हैं, 125 मास्क के कितने मिलेंगे? 125 मास्क के मिलेंगे जब हम 125 को 40 से, क्योंकि एक मास्क का 40 रुपए है, तो 125 को 40 से गुणा कराएंगे। कितना आसान है, देखो, 0 को 0 लिख दो, अब 4 से इसका गुणा करा दो, 4 5 20, 2 हासिल, 4 2 8, और वो 2 जोड़ लो 8 में, 10, 1 हासिल, 4 1 4, और उस 1 हासिल को ले लो 5। अगर इसके आगे रुपए नहीं लिखेंगे तो गलत, मतलब पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो रुपए लिखिए। 125 मास्क कितने रुपए के? 5000 रुपए के, ठीक है। अगला, क्या आप स्वेटर मास्क तथा बटन टांगने के काम से हुई रेशमा के परिवार की कुल आय का पता लगा सकते हो? तो उन्होंने कुल कितने रुपए कमाए हमें ये बताना है उसके परिवार ने। तो देखो, प्रश्न एक में रेशमा की मम्मी ने 26,000 रुपए कमाए थे, और दूसरे में रेशमा की मम्मी ने फिर कमाए कितने रुपए? 3,000 रुपए, ठीक है। इधर बड़ी बहन और भाई ने मिलकर कमाए 1,540, और यहाँ पापा ने कमाए 5,000। तो इन सब को जब हम जोड़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे परिवार की कुल आय, लिखेंगे परिवार की कुल आय, कुल आय इक्वल टू सब जोड़ लो जितने भी हैं, 26,000 प्लस, इसमें 3,000 था दूसरे वाले में,
मम्मी ने, फिर भाई बहन ने मिलके 1,540, फिर पापा ने 5,000। इन सबको आपने जोड़ लेना है। जब आप जोड़ेंगे तो ये शून्य, ये चार, ये पाँच, ये 6, 7, 8, 9, 10, 15, 1, यहाँ 1 हासिल, ये 3 हो गया। तो इतने रुपए कमाए परिवार ने, कुल मिला के कितने रुपए कमाए? 35,540, 35,540, ठीक है, 35,540, जिसे इंग्लिश में कहेंगे 35,540। अब बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। अभिभावकों के लिए सुझाव, मम्मी पापा के लिए, बच्चों को अपनी निगरानी में सुई में धागा डालना व बटन टांकना सिखाएं, और कोविड से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहने। बाय बच्चों।